दोस्तों अभी आप लोगों को पता है जियो ने अपने नए आयुषी टॉपअप वाउचर्स प्लान पेश किए थे और इन प्लान्स में आपको आयुषी कॉल्स दी जा रही है जो कि आपको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से चार्ज की जा रही है। उससे पहले आपको जियो के हर प्लान में अनलिमिटेड वॉइस कॉल मिल जाते थे, लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर ट्राई की तरफ से इन सभी प्लान्स को लेकर एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है जो कि आप लोगों के लिए यहाँ पर जानना बहुत ही जरूरी है। और अब रिलायंस जियो के पास में जो है यहाँ पर सिर्फ 5 दिन का टाइम बचा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, केवल 5 दिन का टाइम सिर्फ रिलायंस जियो के पास बचा हुआ है। तो कौन सी न्यूज यहाँ पर ट्राई की तरफ से आ रही है आप लोगों के लिए, क्यों वो न्यूज जानना जरूरी है, सारी डिटेल आज के इस वीडियो में आपको मिलेगी। और दोस्तों अगर आप फ्री पेटीएम कैश अर्न करना चाहते हैं तो मैंने आपको फोरफोन ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप फोरफोन ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और डायरेक्ट 50 रुपीज का पेटीएम कैश आप लोग अर्न कर सकते हैं। तो दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जियो के नए टॉपअप आयुषी वाउचर्स के बारे में जो कि अभी जो है यहाँ पर पेश किए गए थे और 10 अक्टूबर से ये लागू हो गए हैं। वैसे आप लोग बताना कि आप क्या यहाँ पर जो है ये आयुषी टॉपअप वाउचर्स यूज करेंगे या नहीं करेंगे, या किसी दूसरे ऑपरेटर की तरफ आप चले जाएंगे, या आप जो है आपके पास पहले से कोई दूसरे ऑपरेटर का सिम है तो उसमें आप रिचार्ज कराएंगे, तो ये आप लोग जरूर से बताना। दोस्तों हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि ट्राई आप लोगों को पता है जो कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, तो यहाँ पर जो भी टेलीकॉम इंडस्ट्री के डिसीजन होते हैं दोस्तों वो ट्राई के द्वारा लिए जाते हैं। और जो आयुषी वाला मामला चल रहा है दोस्तों वो भी ट्राई के द्वारा ही लिया गया था। पहले जो आयुषी चार्ज लगता था दोस्तों वो 14 पैसे पर मिनट के हिसाब लगता था, लेकिन 2 साल पहले ट्राई ने इसे जो है यहाँ पर 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से कर दिया गया था और बताया गया था कि जनवरी 2020 तक ये सभी जो आयुषी चार्ज है दोस्तों वो समाप्त कर दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, लेकिन ट्राई की तरफ से अभी इस बारे में कोई डिसीजन नहीं आया था। तो इसलिए जियो की तरफ से ये कदम यहाँ पर उठाया गया है कि आपको 6 पैसे पर मिनट के हिसाब से जो है यहाँ पर आयुषी चार्ज देने पड़ेंगे। लेकिन दोस्तों ट्राई ने कहा है कि जो भी नए प्लान किसी भी ऑपरेटर की तरफ से पेश किए जाते हैं, चाहे वो एयरटेल हो, आइडिया हो, वोडाफोन हो, बीएसएनएल हो या रिलायंस जियो, जो भी ऑपरेटर अपने नए प्लान यहाँ पर पेश करता है उन्हें जो है ट्राई को सबमिट कराना पड़ता है। और इसके लिए ट्राई जो है केवल 7 दिनों का टाइम देता है। जी हाँ दोस्तों, 7 दिनों का टाइम केवल जो है ट्राई के द्वारा दिया जाता है। तो फिलहाल अभी रिलायंस जियो ने यहाँ पर ट्राई ने कहा है कि रिलायंस जियो ने जो भी अपने नए आयुषी टॉपअप वाउचर है वो ट्राई को सबमिट नहीं किया है, और ट्राई फिर उन्हें जो है देखेगा, उन्हें जांचेगा और उसके बाद में ट्राई के द्वारा वो प्लान अप्रूव किए जाएंगे। आप लोगों को पता है पहले रिलायंस जियो की तरफ से स्टार्टिंग में जो है यहाँ पर जो है फ्री सर्विस दी जा रही थी, बाद में जो है ट्राई को फोर्स किया गया एयरटेल आइडिया वोडाफोन की तरफ से, तो बाद में मार्च के अंदर जो है यहाँ पर जो है मार्च 2017 के अंदर जियो की जो फ्री सर्विस थी दोस्तों वो यहाँ पर ट्राई के द्वारा बंद कर दी गई थी। तो उस समय भी ट्राई ने जो है यहाँ पर जो है फ्री सर्विस बंद कराई थी रिलायंस जियो की। तो देखते हैं कि अब जो रिलायंस जियो यहाँ पर जो अपने नए प्लान है वो यहाँ पर सबमिट करेगा ट्राई को। फिलहाल जो है यहाँ पर 7 दिनों का टाइम दिया ट्राई ने, लेकिन 2-3 दिन तो यहाँ पर जा चुके हैं, तो अब रिलायंस जियो के पास केवल 5 दिन के आसपास बचे हुए हैं। तो अगर जो है ट्राई चाहे तो इन प्लान को जो है यहाँ पर अप्रूव कर सकता है और चाहे नहीं भी कर सकता है। वैसे आप लोग बताना कि ट्राई को ये नए प्लान जो है वो अप्रूव करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, वो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर से बताना। और दोस्तों यहाँ पर कुछ टेलीकॉम इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी राय दी है कि ये एक जो है यहाँ पर जो आयुषी चार्ज को लेकर उठाया गया कोई कदम इतना बड़ा नहीं है, लेकिन ये टेलीकॉम इंडस्ट्री को जो है यहाँ पर कुछ ऊपर ले जा सकता है, क्योंकि इससे जो है यहाँ पर जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स है दोस्तों उसको कुछ रेवेन्यू होगा। जैसे अब फिलहाल रिलायंस जियो ने ये प्लान पेश किए हैं तो रिलायंस जियो को यहाँ पर कुछ रेवेन्यू होगा, क्योंकि काफी समय से जो है प्राइस वार जो है यहाँ पर चल रहा था टेलीकॉम इंडस्ट्री के अंदर, और जो टेलीकॉम ऑपरेटर्स थे उन्हें काफी ज्यादा नुकसान यहाँ पर उठाना पड़ रहा था। तो अब फिलहाल रिलायंस जियो के द्वारा जो ये प्लान पेश किए गए इससे जो यहाँ पर टेलीकॉम इंडस्ट्री है उसका रेवेन्यू यहाँ पर बढ़ेगा, और जो दूसरे ऑपरेटर्स है वो भी अपने प्लान के जो प्राइस है दोस्तों वो यहाँ पर इंक्रीज कर पाएंगे। जैसे एयरटेल हुआ, आइडिया, वोडाफोन, तो वो भी अब अपने प्लान के प्राइस जो है यहाँ पर इंक्रीज कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट हैं उन्होंने यहाँ पर कहा है। तो ये कुछ न्यूज़ यहाँ पर निकल कर आ रही है कि अगर ट्राई जो है यहाँ पर 7 दिनों के अंदर जियो के प्लान्स को अप्रूव करता है तो आप लोगों के लिए लागू हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ हमारे वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा, तो प्लीज इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।